साथ में म्यूट भी कर लीजिए। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि हमने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था राहुल जी। तो राहुल जी हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार दोहराता हूं मैं। मेरे पास एक डेटा है इस तरह से, जिसमें प्रोडक्ट है, इसमें 45 या 500 भी हो सकते हैं, ऐसे हमारे पास नंबर कॉलम्स है। मुझे हर बार क्या करना है, एक कॉलम के बाद एक कॉलम ऐड करना है, परसेंटेज का सिंबल देना है, और फिर इस नंबर को डिवाइड बाय 70 या एक नंबर है उससे करना है, और फिर उसको नीचे तक ड्रैग करके उसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल देना है। यही प्रोसीजर मुझे हर किसी के साथ दोहराना है। लेकिन प्रॉब्लम है कैसे, चलिए इसके लिए हम कल जो सॉर्टिंग मेथड आपको सिखाए थे उसको यूज करते हैं। हम एक रो ऐड करेंगे और यहां पे हम नंबर सीरियल नंबर देंगे। याद हो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं कि हर एक कॉलम के रो के बाद एक रो नया ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि हम फिल्टर को हॉरिजॉन्टल टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सीरीज पे आते हैं, और हम यहाँ सीरीज पे आने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं। तो ये हमारा नंबर आ गया 45। इसी नंबर को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, जो कि रिपीट कर देगा, और जो हमारा हेडिंग है इसके नीचे हम अपना हेडिंग डाल दें। राइट सर, क्या सर? यस सर। मैं अपनी पूरी डेटा को सिलेक्ट, कहां तक डेटा है, 8 तक है, पूरी डेटा को सिलेक्ट करूंगा, और फिर मैं यहाँ शॉर्ट पे जाऊंगा, कस्टम शॉर्ट, और ऑप्शन पे जाने के बाद मैं करूंगा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और इसमें मैं रो 1 के अकॉर्डिंग चलूंगा जिसमें मेरा सीरियल नंबर है, एंड ओके। आप देख रहे हैं कि हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया सर। हो गया सर। अब मुझे हर किसी में डिवाइड करना है, तो यहां मैं कुछ एबीसीडी लिख देता हूं ऐसे। तो हमारे पास फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है। गो टू स्पेशल का काम है सिलेक्ट करना, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, मुझे इसमें से सिर्फ सिलेक्ट करना है किसको, ब्लैंक को। तो हमने ब्लैंक सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो डेटा में जितने भी ब्लैंक थे वो आपका सिलेक्ट हो गया। देखिए एक एक्स्ट्रा रो भी इसमें ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया ना सर। यस सर। अब एक चीज और जानिए कि अगर आपने ब्लैंक सिलेक्ट कर रखा है तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइप करते हैं और एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो पूरी सिलेक्टेड एरिया में वो चीज को कॉपी पेस्ट कर देता है, चाहे वो नंबर हो। तो मैं क्या करूंगा कि इस सिलेक्टेड में हम इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 70 करूंगा, और नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, क्या मारूंगा, कंट्रोल एंटर, ताकि इस फॉर्मूले के बाकी सारे सिलेक्टेड ब्लैंक कॉलर में कॉपी पेस्ट कर दे, और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। डन हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा हमारे पास रो था सिलेक्टेड, इसमें एरर लगा, उसको हटा दूंगा, एक्स्ट्रा कॉलम को हटा दूंगा, और हमारा रिपोर्ट जो चाहिए बन गया, वो भी 2 मिनट से कम टाइम। राहुल जी समझ में आया, दोबारा बताऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। तो ये आपके जो यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट है, कंट्रोल एफ जानते हैं, रिप्लेस कंट्रोल एच, गोटी स्पेशल में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप कंटेंट सिलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि नंबर है, जितने भी नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, मैं फाइनल सिलेक्ट आई गो टू स्पेसिमेन जाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि मुझे सिलेक्ट करना है फॉर्मूला जिसका रिजल्ट नंबर है। ओके किया। अब यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसका रिजल्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें इसमें क्या है, गो टू स्पेशल, हमने यहाँ पे बोला फॉर्मूला और हमने बोला नंबर, तो ये आपका परसेंटेज आपका सिलेक्ट होगा क्योंकि परसेंटेज फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट नंबर है। एरो वाले को सिलेक्ट करना है तो एरो वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से इसमें एक और यूज होता है, आप लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ना, फिल्टर का काम क्या है कि जो डेटा कंडीशन में नहीं है उसको हाइड कर देता है। तो कभी कभी आप फिल्टर डेटा को कॉपी करते हैं तो पीछे के डेटा भी कॉपी होके पेस्ट हो जाता है। इस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा आपका पेस्ट हो सिर्फ बीच वाल, तो उस केस में क्या करेंगे, कॉपी फिल्टर करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद, कॉपी करने से पहले मैं गो टू स्पेशल में जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा विजुअल सेल्स ओनली, तो जो सेल विजुअल है वही कॉपी पेस्ट होगा, पीछे का डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है राहुल जी? ओके सर, तो इसके लिए नहीं सर, इसके लिए हम एक ऑल्ट के साथ सेमी कोलन करते हैं तो वो भी शायद शॉर्टकट में वही सेम कमांड लेता है। ठीक है, यस सर। नॉर्मल फिल्टर वगैरह तो आपको आता ही है, फिल्टर में कुछ सिखाने की जरूरत है? नहीं सर, नॉर्मल फिल्टर तो कंडीशनल फिल्टर सर ऑलमोस्ट। आप एक काम कीजिए, आपका होम मेनू खत्म हुआ जी सर, आपको पूरी तरह से एनालाइज कर ले कौन सा टॉपिक आपका रह गया है या फिर आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया है वगैरह वगैरह। अगला टॉपिक हमारा पिवट टेबल है, लेकिन इससे पहले हम आपको पिवट टेबल के कुछ रिकॉर्डिंग भेजते हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिवट टेबल जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा ही था, मैंने संडे को कराया था, इसलिए मैं आपका इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। राहुल तोमर, सबसे ऊपर वाले, यस। सारे वीडियोस को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम इंसर्ट मेनू बार अपना इंसर्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा जी जी जी। और याद रखिएगा, ऐसे आपको कल से आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया था, फाइनल रिसर्च दिया था, ऐसे आपको एक कैटेगरी के बाद मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एक बार ट्राई कर लीजिए और पिवट टेबल की रिकॉर्डिंग को देखना शुरू कर दीजिए। चार घंटे की रिकॉर्डिंग है, टाइम लगेगा देखने में। ओके, ठीक है। और सैटरडे को सुबह 8 बजे ज्वाइन कर रहे हैं ना? सैटरडे को, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे मुश्किल होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, रुक कीजिए, फिर हम मेन मॉड्यूल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी।